ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 26 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है और पूज्य गुरुजी एक पूजा कराने जा रहे हैं। उस पूजन सामग्री को आपको नोट करना है। वैसे मैं ये वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन इस बार हुआ है, तो उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखिए, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नोट करते हुए चलिएगा सभी लोग। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको यहाँ पर गेहूँ दिख रहा है। आपको 21 दाने किसके चाहिए? गेहूँ के। 21 दाने गेहूँ के आपको चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो कमल गट्टा है, तो आपको कितने कमल गट्टे की ज़रूरत है? 5 कमल गट्टे की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है, अगर आपको कमल का फूल 5 मिल जाता है तो आपको कमल गट्टा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिलता तो आप इस तरीके से कमल गट्टा ले सकते हैं, 5 कमल गट्टे। आगे बढ़ें, आपको चाहिए 108 चावल के दाने। चावल का दाना कहीं से भी कटा फिटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े आपको चावल के दाने लेने हैं। ठीक है, वरना ऐसा होता है लोग ले लेते हैं टूटा हुआ होता, नहीं, 108 बिल्कुल खड़े दाने। उसके बाद हम बात करें काली मिर्च की, तो आपको 21 दाने चाहिए काली मिर्च के। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है काला तिल, कुछ चुटकी, एक चुटकी, दो चुटकी आपको क्या चाहिए? काला तिल चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जितनी भी सामग्री बताई जा रही है आपको एक इंसान के पूजन की सामग्री बताई जा रही है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई, ऐड, जो कुछ भी करना होगा आप उस हिसाब से लेकर के सामान को बढ़ा लेना या फिर घटा लेना। ठीक है, बात आ रही समझ में? आगे बढ़ें, उसके बाद आपको चाहिए एक धतूरा। कितने धतूरे? एक धतूरे। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है बेलपत्र। बेलपत्र के बारे में बिल्कुल हमेशा बताता हूँ हर वीडियो में, 7 बेलपत्र लेनी है और बिल्कुल प्यारी सी बेलपत्र लेनी है, कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, महादेव को अगर आप बेलपत्र खंडित चढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि फिर वो खुश नहीं हो सकते कभी भी। आगे बढ़ें, आपको चाहिए 5 पत्ते किसके चाहिए? आपको 7 पत्ते किसके चाहिए? समी पत्र के 7 पत्ते और बेलपत्र के भी 7 पत्ते आपको चाहिए। आगे बढ़ें, आपको फिर सबसे प्यारी चीज़ जो महादेव को पसंद है वो है सफ़ेद पुष्प। कितने? 7 सफ़ेद पुष्प की भी आपको ज़रूरत है। वो सफ़ेद पुष्प कोई भी हो सकता है, बस केतकी का फूल मत लीजिएगा, ठीक है, वरना आपको पाप बहुत ज़्यादा लगेगा। केतकी का अगर फूल ले लिया तो कोशिश करिएगा सफेद फूल कोई भी हो, बस केतकी का फूल ना हो। आगे बढ़े, फिर आपको चाहिए गुलाब का फूल। कितने गुलाब के फूल चाहिए? 7 गुलाब के फूल। अगर गुलाब के फूल आपको नहीं मिलते तो आप 7 गुलाब की पंखुड़ियों को भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, उसके बाद बात करते हैं पंचामृत आपको ज़रूरत है। पंचामृत में क्या क्या आता है? आपको आता है दूध, आता है दही, आता है घी, आता है आपका शहद, आता है और क्या आता है? आपका शक्कर आता है, नहीं कुछ मीठा। ठीक है, ये हो गया आपका पंचामृत, आपको लेना है। साथ ही साथ आपको इत्र भी लेनी है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप स्क्रीन शॉट लेते चलें या फिर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आपको चाहिए इत्र और साथ ही साथ आपको चाहिए चंदन, कोई सा भी चंदन आपकी जो इच्छा हो। लाल चंदन चाहिए लाल चंदन ले लेना, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन इस तरीके से ले लेना। ठीक है, फिर आपको चाहिए सुपारी जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, 3 सुपारी की आपको आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो कलावा होता है जिसको हम लोग मौली भी बोलते हैं, इस तरीके से आपको मौली की ज़रूरत है, पूरा एक मौली इस तरीके से ले लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ 2-4 कपूर के टुकड़े भी आपको ज़रूरत होंगे। ये कपूर का टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 चाहिए घी के दिए। किसके? 2 चाहिए आपको गाय के घी के दिए। 2 क्यों चाहिए? एक तो दीपक चाहिए, जब आप शिवलिंग की, जब जैसे ही पूजा करने जाएंगे पार्थिव शिवलिंग की, तुरंत आपको महादेव के सामने जलाना होगा, और जो दूसरा दीपक होगा वो जब पूजा समाप्त होगी उस टाइम आरती करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एक जनेऊ। क्या चाहिए? जनेऊ महादेव को पहनाने के लिए। फिर देखो, गुरुजी ने अपनी कथा में जो भी सामान बताया उसमें फल उन्होंने नहीं बताया, तो थोड़ा सा, या फिर बताया नहीं, फिर मैंने सुना नहीं, मैं मुझे श्योर नहीं है, बट आप क्या करना, 2 तरीके का कोई भी फल ले लेना, कोई भी फल 2 तरीके का ले लेना, जो भी जितनी भी आपकी क्षमता हो, आपको जो सस्ता फल दिख जाए अपनी क्षमता के हिसाब से वो ले लेना। साथ ही साथ मिठाई, कोई भी पूजा बिना मिठाई के नहीं पूरी होती है, तो आप कोई सा भी मिठाई, अपनी हैसियत जितनी भी आपकी हो उस हिसाब से मिठाई ले लेना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपके घर की कमाई 10,000 है तो काजू की बर्फी लेके चले जाओ, नहीं, है ना, अपने घर की कमाई के हिसाब से ही सारे सामान को खरीदिएगा। ये हो गया, उसके बाद क्या करिएगा, आप चाहें तो धूप बत्ती ले सकते हैं या फिर अगरबत्ती भी ले सकते हैं। और उसके बाद अब हम लास्ट में सबसे बात कर रहे हैं मिट्टी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन से लोगों को कौन सी मिट्टी चाहिए। ठीक, देखो सबसे पहले नंबर हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण की। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको कौन सी मिट्टी चाहिए? आपको चाहिए सफ़ेद मिट्टी। किसकी? ब्राह्मण है तो सफ़ेद मिट्टी की शिवलिंग आपको निर्माण करनी है। दूसरी हम बात करते हैं, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको चाहिए लाल मिट्टी, अगर आप वैश्य हैं तो आपको चाहिए पीली मिट्टी, और अगर
अगर आप शूद्र हैं तो आपको चाहिए काली मिट्टी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके आ रही हैं, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया मान लीजिए कि ये सारी मिट्टियाँ हमें ना मिले तो हम क्या करें, तो आपके घर में अगर बेल का पेड़ लगा हुआ है, चाहे वो गमले में हो या ज़मीन में हो, तो उस बेल पेड़ की मिट्टी को निकाल करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। अब आप कहोगे भैया बेल का पेड़ भी नहीं है, आप बता दो क्या करें, तो अगर बेल का भी पेड़ नहीं है तो कोई सी भी मिट्टी आपको मिल जाए उस मिट्टी को ही उठा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले खोजना कि अगर मुझे बेल पेड़ की मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर लाल काली जो भी मैंने आपको बताई है वो मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो सबसे लास्ट ऑप्शन है कि आप कोई से भी मिट्टी की शिवलिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश की है इस तरीके से आपको समझाने की। बात करते हैं अगर पार्थिव शिवलिंग की कैसे बनाना है, तो एक से दो दिनों में वीडियो आ जाएगी, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है, शिवलिंग बनाना है, कैसे आपको जलाधारी बनानी है, सब कुछ आपको मैं समझा दूंगा। थोड़ा सा वेट करिए, टाइम है अभी, मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो कोशिश की है आपको अच्छा बताने की, समझाने की। जो भी ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा अपडेट किया गुरु जी ने, कुछ सामान को घटा दिया, वही मुझे यहाँ पर फिर से बताना था। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें thenaturalplanet108। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता, ये लिस्ट जो है मैंने बताई है पूरी मैंने लिख के रखी हुई है। अगर आपको लिखी हुई पूरी लिस्ट चाहिए ना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।